सो हेलो एंड व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अन इंटरेस्टिंग वीडियो। और गाइस आज की वीडियो में पूरी आपको सेटिंग दिखाने वाला हूँ कस्टम रूम कार्ड की, कैसे आप इजीली वन वर्सेस वन का कस्टम कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, और कैसे गाइस अनलिमिटेड ग्लूबॉल आप ले सकते हो कस्टम रूम में। तो पूरी सेटिंग यार वीडियो में आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगी, इसलिए गाइस वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक देखना। तो करते हैं यार फटाफट से आज की वीडियो स्टार्ट। तो गाइस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप सभी से बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ सबसे पहले गाइस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, उसके बाद चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को और प्रेस कर देना, क्योंकि गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे आपको हमारे चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कस्टम रूम में वन वर्सेज वन का कस्टम कैसे बना सकते हैं और कैसे ले सकते हैं अनलिमिटेड ग्लूबॉल। चलो गाइस मैं आपको कस्टम बना के दिखाता हूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से अपना कस्टम मतलब मैप पर जाना है। गाइज आप यहाँ पे क्लिक करते हो, मैप पे जाके यहाँ पे क्लिक करते हो तो गाइज आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे गाइज आपको कुछ नहीं करना होता, सबसे लास्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे गाइज कस्टम लिखा होता है, तो ट्रेनिंग के बराबर में आप देख सकते हो इस पर। आपको जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा आता है क्रिएट, तो गाइज आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपल से यहाँ पे एक बार क्रिएट पर टैप करना होता है, फिर आप इजीली अपना कस्टम रूम बना सकते हो। सबसे पहले भाई आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आता है। तो और आज की सेटिंग हम बताने वाले हैं वन वर्सेज वन के लिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले भाई क्लैश स्क्वाड लगाना होगा। अब आपकी मर्जी, आप बरमूडा का क्लैश स्क्वाड लगाना चाहते हो या फिर आप मतलब कलहारी का क्लैश स्क्वाड लगाना चाहते हो, तो गाइज मैंने आप बरमूडा का लगा दिया है। उसके बाद भी सेकंड स्टेप आपका होता है भाई, बिल्कुल आपको यहाँ पे अपने जो भी आप मतलब नाम लगाना चाहते हो उसका भाई रूम का अच्छा सा नाम देना है, जिससे आप अपने फ्रेंड को बता सको भाई रूम की आईडी ये है, नाम ये है, जिससे वो इजीली रूम के अंदर मतलब एंटर कर सके और आप इजीली वन वर्सेज वन का कस्टम रूम कर सको। तो इस तरह करना है आपको, फिर यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ता है। एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर आप वन वर्सेज वन बना रहे हो तो भाई पासवर्ड स्ट्रॉन्ग लगाना, नहीं तो कोई भी एंट्री कर सकता है, तो फिर आपको मुश्किल पड़ जाएगी अपने फ्रेंड के साथ खेलने में। तो इसलिए गाइस पासवर्ड को जरूर ध्यान रखना और भाई सही सा पासवर्ड लगाना। तो यहाँ पे हम भाई 98576 ऐसी कुछ भी कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। उसके बाद गाइस यहाँ पे यहाँ से ओके कर देना है, सिंपल सा, कुछ ज़्यादा करना नहीं है इसमें। फिर यहाँ पे भाई ड्रॉप लिस्ट आती है, यहाँ पे कॉम्पिटिटर मोड आपको रहन देना है, यहाँ कुछ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है गाइस, सिंपल सा रहन देना है। अगर आपको गाइस यहाँ से राउंड का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपको कहीं 7 राउंड से ज़्यादा खेलने हैं तो आप 9 राउंड खेल सकते हैं। तो गाइस सबसे बेस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, आप यहाँ से 9 राउंड सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपका फ़ायदा रहेगा, ज़्यादा राउंड आपको खेलने के लिए मिलेंगे, क्योंकि गाइस कस्टम कार्ड मतलब इजीली मिलते नहीं है, तो आप 9 मोड कर लेना। उसके बाद प्लेयर 80 रहते हैं इसके अंदर, मैं आपको बता दूंगा वन वर्सेज वन कैसे होगा। HP आपकी मर्जी है गाइस, आप एक रख सकते हो, वैसे एक पे मज़ा नहीं आएगा, एक गोली में बंदा खत्म हो जाएगा, तो आप 200 रख लेना गाइस HP। उसके बाद मूवमेंट स्पीड आप मतलब आपकी मर्जी है, आप 50 भी रख सकते हो, 50 पे स्लो हो जाएगी, 125 पे बंदा जो है बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए गाइस 100 रखना, 100 सही रहेगी। उसके बाद भाई डेड स्पेक्ट्रम आपकी मर्जी है, रखना है नहीं रखना है। और सबसे मेन चीज़ भाई जो आप बंदे सोचते हैं भाई अनलिमिटेड ग्लूबॉल कैसे ले सकते हैं कस्टम के अंदर, तो गाइस उसके लिए सेटिंग दे रखी है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है लिमिटेड एमओ, तो गाइस यहाँ पे लिमिटेड एमओ के ऊपर यस लगा होता है, आपको नो पे टैप करना है। जैसे ही आप नो पे टैप करोगे तो गाइस आपको कस्टम रूम में भाई अनलिमिटेड ग्लूबॉल मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे डिफिएट कॉइन आपको गाइस 1500 कर लेना है। ऐसा क्या होगा, जब भी आप कोई गन परचेस करोगे तो आपके पास ज़्यादा कॉइन्स आ जाएंगे, जिससे आप इजीली गन्स ग्रेनेड मतलब ग्लूबॉल ले सकते हो। उसके बाद भाई स्पेक्टर्स आप कितने भी रख सकते हो, जितनी आपकी मर्जी है, तो गाइस यहाँ से हम स्पेक्टर की ज़्यादा छेड़खानी नहीं करने वाले, करने पड़ेंगे तभी आप इजीली मतलब वन वर्सेस वन कस्टम बना सकते हो। तो यहाँ पे स्पेक्टर हम ज़्यादा कुछ छिड़कानी करते नहीं है। उसके बाद जब इस मतलब EP पूछता है, आप EP कितना रखना चाहोगे गाइस, EP आपकी येलो हेल्थ होती है जो ऊपर की तरफ मशरूम खा के जो आती है, तो आप कितनी 200 रख सकते हो गाइस, आपकी मर्जी है, आप 0 भी रख सकते हो। उसके बाद भाई जंप हाइट, अगर आप जंप हाइट भाई घनी रखोगे तो अगर बहुत ऊंचाई से आप कूदोगे तो आप पे यार डैमेज मतलब बहुत ऊंचा आप कूद जाओगे गाइस, जैसे आप जंप करोगे तो बहुत हाइट तक आप चले जाओगे। उसके बाद इन्वायरमेंट आपको डे रखना है, नाइट रखना है, वो आपकी मर्जी है, जैसे इन्वायरमेंट में आप खेलना चाहते हो। उसी शायद मेरी एक रिक्वेस्ट थी गाइस आप सभी से, अगर आपने अभी तक यार चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो यार, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे यार करेक्टर स्किल मिल जाती है, करेक्टर स्किल में आप गाइस कुछ भी कर सकते हो, यस नो। अगर आप करेक्टर स्किल नो कर दोगे तो भाई कोई भी करेक्टर की स्किल वर्क नहीं करने वाली, जैसे DJ आलोक की वर्क करती है तो वो भी वर्क नहीं करने वाली, अगर यस रखोगे तो भाई सारी करेक्टर की स्किल जो है काम यहाँ पे करने वाली है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ तक सेटिंग करनी है, उसके बाद कंफर्म कर देना है। तो गाइस यहाँ पे देखो अभी रूम फुल दिखा दिया है, तो यार प्रॉब्लम सबके साथ होती है, तो इसका वीडियो में लिंक मिल जाएगा, आप कैसे ही कर सकते हो। तो गाइस अगर आपका भी रूम फुल बता दिया होगा तो गाइस आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख के सही कर सकते हो, 80% बंदों की सही भी हो जाती है, अगर तब भी सही नहीं होती तो गाइस आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जब सुबह होती है सुबह गाइस कस्टम बनाना है, क्योंकि उस टाइम बहुत कम बंदे कस्टम बनाते हैं, इसलिए आपका बन जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतने, चैनल पर नहीं हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना गाइस। तो आज की वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको बतानी थी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना।